तो गाइस ये हम लोग बाहर आए हैं शॉपिंग करने के लिए। मुझे कुछ कुछ सामान लेना था तो मैं वही लेने आई हूँ। तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो गाइस ये देखिए, मेरे हस्बैंड मेरे बेबी के लिए कपड़े ले रहे हैं। हमने बहुत सारा कुछ लिया था पर वो दिखाना पॉसिबल नहीं था वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। जब से लॉकडाउन लगा है गाइस, मैं घर से निकली नहीं हूँ। मतलब 3-4 महीने से मेरा ज़्यादा हो गया कि मैं घर से निकल नहीं रही, और मेरा सामान तो लगभग ख़त्म होने को आ गया था। तो इसीलिए मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाया तो हम लोग सब आया नहीं है, और जो बहुत ज़रूरी सामान था तो वो मैं मतलब आज जा कर के ले कर के आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। बहुत जो ज़रूरी था उसी के लिए मेरे, मुझे पता है कि बाहर जाना सेफ नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी था इसलिए मुझे जाना पड़ा। दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ, और मैं गई तो मुझे लगा मैं गई हूँ तो मुझे जो मिल रहा है मैं ले लेती हूँ। उसके बाद पता नहीं ये वायरस कब जाएगा, कब जाना होगा। फटाफट शॉपिंग करके आ गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर के। ओके गाइस, ये मैंने अपने बेबी के लिए कपड़ा लिया है। सिंपल सा है, घर पर पहनने के लिए मैंने लिया है। ये सब पैंट है, सिंपल सा ही है, बस मेरे घर पर पहनने के लिए इसलिए लिया है। एक ही लिया है क्योंकि बच्चों का कपड़ा क्या होता है ना कि हर महीना ले, हर साल लेना ही पड़ता है क्योंकि वो कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं गई तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी ले लेती हूँ, और मैंने छोटा छोटा लिया है तो वो पहन रहा है इतना। गाइस ये देखिए, मैंने अपने लिए बैंगल्स की मोम चूड़ी लिया है। ये देखिए बस, आप सबको दिख रहा होगा शायद, ये देखिए ग्रे कलर में है। ये एक दर्जन चूड़ी है, और मैंने अभी सावन चल रहा है तो मैं सोच रही थी कि चलो एक ग्रीन चूड़ी भी होना चाहिए। ये देखिए कैसा लग रहा है, बताइएगा गाइस आप सबको। तो गाइस ये वेलवेट का चूड़ी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं, मुझे वैसे मेकअप उतना अच्छे तरीके से आता नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं ग्रीन में, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा ग्रीन में मेकअप करके दिखाऊँ, नेचुरल जो घर पर लोग करते हैं, सिंपल सा। मुझे उतना खास आता नहीं, लेकिन मैंने अपने सावन में किस तरीके से मेकअप किया था मैं वो सब आप सबको दिखा दूँ। तो ये गाइस चूड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं ले लिया। तो चलिए मैं और दिखाती हूँ मेरे क्या लिया है। और ये देखिए, ये मैंने बैंगल्स लिया है, मैंने इयररिंग भी रखी। कैसा लग रहा है आप सबको बैंगल बताइएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने ले लिया, सिंपल सा था तो मैंने ले भी ले लिया। और इसमें है ये ईयर, कैसा लग रहा है, और ये गाइस मैंने दो रिंग लिया है, एक ब्लू कलर में, ब्लू मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने ब्लू लिया है। मेरे पास ब्लू बहुत सारे ड्रेस है तो काम आ जाएगा। और ये एक मैंने गोल्डन लिया है, गोल्डन सिल्वर मिला, ये हो गया। और मैं दिखाती हूँ आप सबको, ये तो मैंने बस सिंपल घर पर पहनने के लिए ले लिया है। ये मैंने सिंपल घर पर पहनने के लिए लिया है, और ये नेल पेंट, नेल पेंट पहन लिया है ब्लू कलर का। ये देखिए, और एक सेकेंड, मैंने एक और नेल पेंट लिया है गाइस। ये देखिए ये ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर में है। ये नेल पेंट मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। दो मैं नेल पेंट लेकर के आई हूँ, बस दो ही लेकर के आई हूँ।
और 3 लिपस्टिक लेकर के आई हूँ मैं, उसे 3 लिपस्टिक लेकर के आई हूँ मैं। ये देखिए, एक ये है और एक ये है और ये लैक्मी 925 ये है, लैक्मी 925। ये 3 लिपस्टिक लेकर के आई हूँ मैं। लिपस्टिक मेरे पास नहीं था, मैं सिंदूर भी लेकर के आई हूँ, तो मैं कहाँ रख दिया, मैं यूज़ भी करने लग गई। और ये देखिए क्लेचर, क्लेचर मेरे पास बिल्कुल नहीं था, गर्मी इतना है कि बाल ओपन करके रखना बहुत मुश्किल होता, तो मैंने एक यूज़ कर भी लिया। ये देखिए क्लेचर, ये मैं लेकर के आई हूँ। और एक ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा लग रहा था, इसको मैंने भी ले लिया। अरे देखिए मेरा हाथ, नेल सब चेक करते करते मेरा हाथ कैसा हो गया, मैं जैसे साफ ही नहीं किया मैंने। तो ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने इसे भी ले लिया। और क्या है, बस ये सीरम है, स्ट्रिप का सीरम है। और ये तो बस ऐसे ही आया, तो पहले मैंने ले लिया। और ये एलेटिन का मैंने काजल लिया है, और ये बिंदी की पत्ती, और ये मस्कारा, एक मस्कारा। बस गाइस मैं ये लेकर के आई हूँ, और बस मैं लेकर के आई हूँ। तो गाइस ये सब तो हो गया हमारा, मैंने आप सबको जो भी मैंने खरीद के लाई थी मैंने वो सब आपको दिखा दिया। तो अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। पहले तो हम लोग लगभग दोपहर को गए थे, तो दोपहर को वहाँ से आने के बाद शाम हो गया, फिर आकर नहाकर फिर मैं अपना ये सब सारा काम निपटाया है। तो डिनर अभी मेरा बनाना बाकी है, तो कितना टाइम हो रहा है ये देखिए गाइस, तो टाइम इतना 6 से ज़्यादा हो गया। तो मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। डिनर में आज मैं दाल बाटी चूरमा बनाने जा रही हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम दाल बाटी चूरमा बनाने जा रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, मुझे नहीं पता, पर जैसा ही बनेगा मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो चलते हैं गाइस। अगर हाँ, और एक बार, अगर आप सबको मेरा डिनर पसंद आया तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं डिनर बनाने के लिए, तो मिलते हैं डिनर के टाइम में, ओके। तो गाइस ये हमें हमारा आज का डिनर, देखिए दाल बाटी चूरमा मैंने बनाया, कैसा लग रहा है गाइस। अगर ये डिनर आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पर, तो बाय।